उधर भोपाल में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग और शहर की मेयर मालती राय भदभदा डैम पहुंचे, जहां डैम से गेट नंबर 6 को खोलकर बड़ी झील का पानी छोड़ा गया। आपको कोलार नदी में पानी ज्यादा होने के चलते भदभदा डैम को जो खोला गया है उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद अब निचली बस्तियों में प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, निचली बस्तियों के लिए अब अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि ये डैम का पानी छोड़ा गया है और उसके बाद जाहिर सी बात है जलस्तर बढ़ा है। गेट नंबर 6 को खोला गया है भदभदा डैम का, गेट नंबर 6 को खोला गया है और वहां पर मेयर मालती राय मौजूद रही, साथ ही कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी रहे। जो कोलार नदी है उसमें 5 फीट उसके ऊपर चल रही है वो, तो इसलिए ये एक प्रोटोकॉल है कि उसके बाद भदभदा के गेट खोलना है। आज एक गेट खोला है लगभग 12:15 बजे जो कि 6 नंबर का गेट है और इससे पूरा जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन किया जाएगा और जिस प्रकार की अभी बारिश की संभावना है उस पर सभी तरह की निगाह नगर निगम रखा हुआ है और जो भी आगे जिस प्रकार की भी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से ही इसको ऑपरेट किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र सीधा जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आखिर क्यों भदभदा डैम का ये गेट खोला गया, क्या जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए पहले तो हम हमारे सभी दर्शकों को राजधानी भोपाल की जो बड़ी झील है जब वो ओवरफ्लो हो जाती है उसके बाद जब भदभदा डैम के गेट खोले जाते हैं जिसका इंतजार रहता है, पहले मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं कि बड़ी झील का जो वाटर लेवल है, जो जलस्तर है, वो 1666.80 फीट पर आता है और जब बड़ी झील का जलस्तर 1666.80 को क्रॉस करता है उसके बाद बड़ी झील के जो गेट है उसको खोला जाता है। पहले गेट नंबर 5 को खोला गया था और अब गेट नंबर 6 को भी खोल दिया गया है, तो दो जो गेट हैं भदभदा डैम के वो गेट खोले गए हैं। करीब 11 यहाँ पर गेट बने हुए हैं जिन्हें खोला जाता है जब पानी ज्यादा ओवरफ्लो होता है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बड़ी झील का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ा है और इसके साथ ही जो कोलांस नदी है जो कि सीहोर से जुड़ी होती है और उस सीहोर से जुड़ी होने के चलते जब वहाँ बारिश होती है कोलांस नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ता है तो उसके बाद जो झील के गेट हैं वो खोले जाते हैं और इस नज़ारे को देखने के लिए कई जो लोग हैं वो भी आते हैं और जाहिर सी बात है क्योंकि ये जो नज़ारा है ये वाकई में भोपाल वासियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इससे एक संकेत ये मिलता है कि शहर में एक साल तक पानी की किल्लत नहीं हो पाएगी, तो दूसरा संकेत ये भी मिलता है कि निचली जो बस्तियाँ हैं वो कहीं ना कहीं खतरे के निशान पर आ जाती। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह से इस नज़ारे को देख रहे हैं आप लोग? ये नज़ारा बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ से क्योंकि जिस तरीके से पानी आ रहा है वो अच्छा फील हो रहा है हम लोगों को आकर यहाँ पर, मगर वहाँ पीछे जो व्यू था उससे अच्छा व्यू यहाँ पर है। अच्छा, पीछे जो जलकुंभी जमी हुई जी जी उससे अच्छा व्यू यहाँ है। मजा आ रहा है गेट खुल गए? बहुत मजा आ रहा है। आप बताए कितना इंतजार था इसका? इसका बहुत इंतजार करा हम लोगों ने, 2-3 दिन से रोज देख रहे हैं हम, पेपर में अपडेट देख रहे हैं रोज, बस आज जैसे ही पता चला हम वैसे ही आए यहाँ पर व्यू देखने। बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा नज़ारा है। कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, हालांकि जो सुरक्षा है वो यहाँ पर की जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो सुरक्षा है वो की जाती है। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये जो पानी है ये पानी इस डैम के सहारे कलियासोर डैम की ओर जाता है और कलियासोर डैम जब भर जाता है और कलियासोर डैम के जब गेट खोले जाते हैं तो जो विदिशा है, विदिशा में जो पानी है वो मूव होता है और जो ग्रामीण अंचल के इलाके हैं वहाँ तक वो जो पानी है जाता है। और यहाँ से आपको दिखाना चाहूंगा जो सुरक्षा के मापदंड है उसका भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है, पुलिस बल को भी यहाँ पर तैनात किया गया है और जो लोग हैं उन्हें रोका गया है ताकि इस जी जितेंद्र एक सवाल भी इसमें जरूर, देखिए हम सुरक्षा की व्यवस्था देख रहे हैं लेकिन ये भी बताइए क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये मजे और एंजॉयमेंट की स्थिति और ये तस्वीरें हो सकती हैं लेकिन कुछ लोगों के लिए ये खतरे की घंटी जरूर है, खासतौर पर निचली बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए। अब ऐसे में ये जो पानी अब वहां से छोड़ा गया है कौन कौन से इलाके को प्रभावित करेगा और फिलहाल क्या जो निचले इलाके के लोग रह रहे हैं क्या उन्हें सेफ साइड पर ले जाया गया है? बिल्कुल, देखिए आप पानी की रफ्तार देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि जिस प्रकार से पानी की रफ्तार काफ़ी तेज़ी से चल रही है तो इससे जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी भरना स्वाभाविक सी बात बनती है। देखिए मैं आपको बताऊं कि बड़ी झील जब ओवरफ्लो होती है तो बड़ी झील का जो पानी है वो भदभदा डैम के रास्ते छोड़ा जाता है। यहाँ से जो डैम है
उसका पानी रिलीज हो रहा है और ये पानी यहाँ से होता हुआ कलियासोर डैम की ओर जा रहा है। कलियासोर डैम तक पानी यहाँ पर भर जाएगा और जब पानी भरेगा और उसके बाद जब कलियासोर डैम ओवरफ्लो होगी तो उसके बाद जो डैम है उसके गेट को खोला जाएगा। और देखिए कलियासोर डैम के जब गेट खुलते हैं तो जो कोलार का निचला इलाका है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो निकल कर आती है। बिल्कुल है, इसके साथ ही साथ जो निचली बस्तियां हैं और साथ ही साथ जो विदिशा ग्रामीण इलाका है वो विदिशा के ग्रामीण इलाके में भी पानी है वो भर सकता है। तो देखिए सुरक्षा के भी काफी मापदंड किए गए हैं, हालांकि यहाँ पर भी लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है क्योंकि बैरिकेटिंग काफी की गई है और इस बैरिकेटिंग के माध्यम से लोगों को रोका गया है क्योंकि देखिए पानी का प्रेशर काफी तेज है, काफी ज्यादा है, लगातार जो गेट है वो खुल रहे हैं और ऐसे में और भी ज्यादा जो गेट हैं वो खुल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर लोगों को आगे नहीं आने दिया जा रहा है। निचली बस्तियों की हम बात कर रहे थे तो नगर निगम से जब हमारी बात हुई थी, महापौर से हमारी बात हुई थी, मंत्री विश्वास सारंग से बात हुई थी तो उनका भी साफ तौर पर ये कहना था कि लगातार जो नगर निगम का अमला है वो अलर्ट मूड पर है। नगर निगम के अमले ने पूरी कमान को संभाल कर रखा हुआ है। निचली बस्तियाँ जैसा कि कोलार का जो शुरुआती इलाका होता है और जब डैम का पानी वहाँ पर रिलीज होकर जाता है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत स्थिति ऐसी बनती है कि जो नदी जो पानी है वो बढ़ जाता है। जैसे कि पिछले साल की हमने तस्वीर देखी थी, लोगों के घर तक डूब गए थे, तो वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। पिछले 2 घंटे से जो पानी है बड़ी झील का वो यहाँ से 2 गेट के माध्यम से रिलीज किया जा रहा है और जिस प्रकार से कोलांस नदी है जो कि सीहोर में बनी होती है और कोलांस नदी का जो जलस्तर है वो अपने खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर तक चली गई है। तो ऐसे में जब तक वहाँ से उसको लेवल पर नहीं लाया जाएगा तब तक जो झील का गेट है उसको बंद नहीं किया जाएगा और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि और भी ज़्यादा जो गेट है वो खोले जा सकते हैं अगर बड़ी झील जो कोलांस नदी है उसका जलस्तर सामान्य पर नहीं आया, क्योंकि जब तक सामान्य पर स्थिति नहीं होगी तब तक जो पानी है वो उसको इसी तरह से रिलीज किया जाएगा। देखिए एक और परेशानी यहाँ पर होती थी और वो परेशानी हुआ करती थी जलकुंभी के कारण, लेकिन जिस प्रकार से बड़ी झील को आप देख रहे हैं कि यहाँ से गेट खोले गए तो जो जलकुंभी का एक अंबार है वो भी यहाँ से आपको निकलता हुआ नजर आएगा कि किस प्रकार से जो जलकुंभी है वो यहाँ से रिलीज की जा रही है। और देखिए झील संरक्षण के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले हमने न्यूज स्टेट के माध्यम से लोगों को दिखाया था कि बड़ी झील के ऊपर जलकुंभी का एक अंबार बन गया था, यानी कि जो करोड़ों रुपए खर्च करने की बात की जाती है उसकी सच्चाई सामने निकल कर आई थी, वो कहीं ना कहीं प्रकृति के कारण, यानी कि देखिए प्रकृति का ही प्रकोप है कि जिस प्रकार से पानी ज़्यादा बढ़ा उसके बाद अब जलकुंभी वो भी धीरे धीरे रिलीज हो रही है। लेकिन यहाँ पर अब ज़रूरत है छोटे जो बस्तियाँ होती है जो निचले इलाके होते हैं वहाँ पर अलर्टनेस लाने की, क्योंकि अगर वहाँ पर अलर्टनेस नहीं लाई तो जो स्थिति है वो और ज़्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है बरसात का और शुरुआती दौर में ही अगर ये स्थिति है कि बड़ी झील ओवरफ्लो हो चुकी है, जो गेट है वो खोले जा रहे हैं, तो ऐसे में इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब पानी और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ आएगा और भी ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा उसके बाद बड़ी झील के अलावा जो कलियासोर डैम है उसके गेट भी खोले जाएंगे, कोलार भी ओवरफ्लो हो जाएगी, क्योंकि भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है, इसमें कोलार डैम, कलियासोर डैम, कैरवा डैम, भोपाल का भदभदा डैम, ऐसे डैम तमाम जो छोटे बड़े डैम हैं वो आते हैं, बड़ी झील, छोटी झील, इस प्रकार की झीलें आती हैं, उसके अलावा 3 तालाब ये अलग आते हैं, तो झीलों की नगरी कही जाती है भोपाल का को। और ऐसे में अगर यहाँ पर पानी काफी ज्यादा गिरता है तो जब झील ओवरफ्लो हो जाती है तो इसकी निकासी के लिए जो रास्ते हैं वो बनाए जाते हैं, हालांकि कई जगहों पर हमने ये भी देखा है कि पानी के रास्ते पे लोगों ने अपने घरों का निर्माण कर लिया है, कई जगहों पर पक्के निर्माण हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए खतरे की घंटी बन जाते हैं। जो लोग निर्माण कर लेते हैं उन्हें पता होता है कि यहाँ से पानी रिलीज होगा, जब पानी काफी ज्यादा तेज गिरेगा उसके बाद डैम के गेट खुलेंगे और वहां से जो पानी उनके घरों तक पहुंच सकता है, बावजूद उसके अगर निर्माण किया जाता है तो इसके पीछे एक तो स्वयं वो व्यक्ति जिम्मेदार होता है और नगर निगम प्रशासन भी जिम्मेदार होता है कि आखिर जब निर्माण कार्य चल रहा था उस समय प्रशासन कहाँ था। फिलहाल शहर के लिए अच्छी खबर हो सकती है, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बारिश हो रही है उसको देखकर ये भी कुछ लोगों के लिए ये राहत भरी खबर भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये परेशानियों का सबब भी हो सकती है, खासतौर पर वो लोग जो निचले इलाकों में रहते हैं। अब उन्हें सेफ साइड पर जाने के लिए कह दिया गया है, ऐसे सुरक्षित जगहों पर। और अब इस तरीके के हम ये भी देखेंगे कि नगर निगम आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये वाटर लेवल और बढ़ेगा और उसके बाद हम देखेंगे डैम के गेट और खोले जाएंगे अगर ऐसी संभावना बनती है, तो फिर ये लोगों के लिए खतरे की घंटी होगी और फिर नगर निगम पूरी तरीके से इसमें मोर्चा संभालते हुए उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाता हुआ भी नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सीधे।